हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KNRR। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाटा मछली। हमारे यहाँ ये मछली सफाई करके और काट के मिलता है, इसलिए मैंने इसे धो के हल्दी नमक डाल के मैरिनेट कर दिए है। मछली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच पीला सरसों, 1 चम्मच काला सरसों, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच गोल मिर्च और हरा मिर्ची, सूखा मिर्ची 5-6, 2 लहसुन, टमाटर 2, 1 छोटी प्याज, 5 फोरन और कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इन साबुत मसालों को ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना देंगे। ये मछली सरसों वाली मछली है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप एक बार ज़रूर घर में इसे ट्राई करें। मिर्ची आप अपने अनुसार मिर्ची डालिएगा, आप तीखा कम खाते हैं तो कम मिर्ची डालिए, तीखा ज़्यादा खाती है तो ज़्यादा मिर्ची डालिए। अब आप पानी डाल के बना लेंगे। चलिए अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इसमें हम सरसों तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल, मछली को फ्राई करने के लिए। मछली तेल अच्छे से गर्म हो जाए, जब तक धुआं ना दे तब तक मछली ना डालें, क्योंकि तेल ठंडा रहने पर मछली कढ़ाई में चिपक सकती है, इसलिए तेल से जब थोड़ा धुआं दे तब मछली डालें। मछली को डाले हुए 4 मिनट हो गया। देखिए देखिए लाल हो गया एक साइड से, ऐसे हम पलट देंगे, कोई झंझट नहीं, आराम से मछली डाल के छोड़ दीजिए 4-5 मिनट के लिए अपने आप, उसके बाद लाल हो जाएगी। चलिए जब तक हमारी मछली दूसरी तरफ से फ्राई हो रही है तब तक हम मसाला का पेस्ट बना लें। प्याज काट लें, हरा मिर्चा काट लें, टमाटर काट लें। देखिए 4 मिनट हो गया, कितनी सुंदर मछली फ्राई हो गई, कोई नहीं है। देखें अब हम इसे बाहर निकाल देंगे इस प्लेट में। फिर दूसरी मछली डालेंगे। वही मछली भी मेरी हमारी फ्राई हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे। टोटल मछली मेरे फ्राई होने में आपका 15 मिनट टाइम लगा है। अब तेल डालेंगे, तेल गर्म हो गए, 5 फोरन डालेंगे, अब हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मछली का, आप फौरन में हरी मिर्ची डालिएगा। प्याज थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। ये देखिए प्याज हल्का लाल हो गया, ब्राउन हो गया। अब हम इसमें मसाला, मैंने जो साबुत मसाला पेस्ट की थी वो डालूंगी। आप चाहे तो सरसों लहसुन का पेस्ट बना लें और बाकी धनिया जीरा वगैरह सब पाउडर मिला लें, मैंने यहाँ पर साबुत इस्तेमाल किया है सारी चीज़ें। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से चलाएंगे, मसाला आधा पक जाए उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। मसाला नहीं पकने से टमाटर डालने से कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा।
मसाले में तेल दिखाई दे रही है। मसाला मेरा हल्का आधा पक गया है। अब इसमें टमाटर डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे। आप मछली कभी भी लो फ्लेम में मत फ्राई कीजिएगा, मछली मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि और अच्छे से मसाला पक जाए। इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि मसाला अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए हमारा मसाला कैसे लाल तेल दिखाई दे रहा है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा कश्मीरी मिर्च डाल देंगे और एक दो मिनट के लिए ऐसे चलाएंगे इसे ताकि कलर अच्छे से आए। ये देखिए मसाला हो गया। अब हम इसमें गरम पानी डालेंगे। गरम पानी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। आप अपने अनुसार इसे पानी डालिएगा, कम या ज़्यादा। आपका कम चाहिए तो कम, ज़्यादा पतला जो चाहिए तो पतला, आप अपने अनुसार इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैं इसमें दो गिलास पानी डाली हूँ। अब इसको उबाल आने दें। उबाल आएगा उसके बाद हम इसमें मछली ऐड करेंगे। अच्छे से उबाल आ गया। अब सारी मछली हम इसमें ऐड कर देंगे। धीरे धीरे चलाते हुए दो मिनट और इसको पकाएंगे। देखिए हमारी मछली बनके तैयार है। हम इसे धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हमारी मछली बनकर तैयार। मिर्ची आप अपने अनुसार डालिएगा, जिसे तीखा खाना हो ज़्यादा मिर्ची डालें, जिसे कम खाना हो कम डालें, मीडियम खाना हो मीडियम डालें, अपने अकॉर्डिंग मिर्ची ऐड कीजिएगा। ये देखिए मेरा मछली बनकर तैयार है, कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हम इसे सर्विंग बॉल में निकालेंगे और सर्विंग बॉल में निकाल ली। चावल के साथ सर्व कीजिए क्यों, और आप बनाइए खाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा बना है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।